राफेल पर जब 11 तारीख को ये पार्लियामेंट चालू हुआ तो कांग्रेस राफेल पर चर्चा मांग रही थी। इसके पहले भी कुछ चर्चाएं हो चुकी थी और जब कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए उनके पार्टी के नेता खड़े हुए तो लगा कि देश को कुछ ऐसी बात बताई जाएगी, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम ही नहीं है। वो मंत्र राफेल 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 राफेल, कोई काम नहीं है। ना उसको किसानों से मतलब है, ना बेरोजगारों से मतलब है, ना दलितों से मतलब है, ना शेड्यूल कास्ट से मतलब है, केवल उसको राफेल से मतलब परिवार से। और मैं इसके तह पर गया स्पीकर मैडम कि फाइनली यदि राफेल नहीं होगा, यदि राफेल में करप्शन है, राफेल यदि खत्म हो जाएगा तो किसको फायदा होगा इस दुनिया में। और संयोग से अभी डिफेंस मिनिस्टर ने एक RFQ जारी किया है और उसमें से जो पार्टी आई है राफेल के ही आधार पर 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन, 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने के लिए, तो उसमें डेसॉल्ट एविएशन के अलावा एयरबस विथ यूरोफाइटर, स्वीडन का साब ग्रिपेन, US बोइंग का FA-18, सुपर ऑर्नेस्ट US, लॉकड मार्टिन F-16 और रसिया का MiG-35। ये 6-7 कंपनियां जो है राफेल की पैरेलल कंपनियां हैं, जो कि इसके बदले वो देंगी। या मान लीजिए कि मंत्रालय का भी एक, जहां तक मेरी जानकारी है कि जब ये 126 के बदले जब ये 36 लेने की बात आई तो ये तय हुआ कि यदि एक ही कंपनी का यदि हम 126 ले लेंगे तो कल को मान लीजिए कि उसके पार्ट्स में कोई परेशानी हो जाएगी, उसके उस देश के साथ, उस कंट्री के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, या लेहमन ब्रदर्स जैसा कंपनी यदि डूब सकता है, तो यदि कोई कंपनी डूब जाएगी तो अपने को क्या रास्ता अपनाना चाहिए। और यही कारण है कि दो दो स्क्वाड्रन के अलग अलग कंपनियों से यदि हम जहाज लेंगे तो उसका एक बेनिफिट होगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों को यह समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताऊं और ढूंढते ढूंढते कि आखिर राफेल पर यह पूरा का पूरा कांग्रेस इतना परेशान क्यों है, और ढूंढते ढूंढते एक डॉक्यूमेंट हाथ लग गया स्पीकर मैडम। एक कंपनी है OIS, OIS और इसके मालिक है संजय भंडारी, चूंकि ए बोलना है तो SB हम बोलते हैं भंडारी, और इसने राफेल पर चर्चा कर रहा हूं स्पीकर मैडम, आप कांग्रेस के लोगों को बैठाइए, मैं राफेल पर चर्चा कर रहा हूं। राफेल के साथ उसने 2012 में एग्रीमेंट साइन किया स्पीकर मैडम, उसने ऑफसेट क्लाउज के लिए राफेल के साथ 2012 में एग्रीमेंट साइन किया। दो लोगों ने 2012 में एग्रीमेंट साइन किया, एक मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस ने और दूसरा ये OIS ने, जिसका कि संजय भंडारी मालिक। अब संजय भंडारी कौन है, एक लंदन का फ्लैट है स्पीकर मैडम, एक उसके यहां इनकम टैक्स का रेट होता है और इनकम टैक्स के रेट में एक है फ्लैट नंबर 12 ब्रेंस्टन स्क्वायर लंदन। सुमित चड्ढा संजय भंडारी का PS है, वो रॉबर्ट बड्रा साहब जो राष्ट्रीय दामाद हैं, मैं रॉबर्ट बड्रा साहब नहीं बोलूंगा, मैं राष्ट्रीय दामाद बोलूंगा, वो राष्ट्रीय दामाद को वो मेल करता नहीं, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, फिरोजाबाद का कोई एक लड़का है और उसने जो है किसी बड़े परिवार के साथ शादी कर ली, एक फिरोजाबाद का बॉय है, जैसे इटालियन लेडी है आरवी, आप समझिए कि वो कहता है कि आपका जो ये फ्लैट है जो मेल है आरवी का, आरवी को आप ये समझें कि आपका जो फ्लैट है उसको ठीक ठाक कराना है, उसका आप पैसा दीजिए। ये कहता है आरवी, कहते हैं कि लुक इनटू इट, मैं जो है इसका पैसा दूंगा। मेरा सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है और कांग्रेस पार्टी को चैलेंज है कि ये बताएं कि ये बेनामी प्रॉपर्टी आरबी की है या नहीं है, और आरबी से कांग्रेस पार्टी का क्या रिलेशन है। दूसरा, इसके पहले अब सुनिए खड़गे साहब, एक पिलाटस का डील हुआ 4,000 करोड़ का, पिलाटस कंपनी के साथ ये OIS का रिलेशन है।
ओआईएस का रिलेशन है और ओआईएस ने जो दुबई में कंपनी की है उसके साथ आरबी का रिलेशन है या नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि उनको 10 लाख पाउंड पिलाटस में दिया गया, सुनिए सिंधिया साहब, और पिलाटस की पार्टी जब 4000 करोड़ का डील इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने पिलाटस को दे दिया और उस पिलाटस को ओआईएस ने 2.5% कमीशन दिया, उसकी जो पार्टी हुई ज्यूरिख में, उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आरबी को, राष्ट्रीय दामाद को उसी ओआईएस कंपनी ने टिकट दिया और टिकट और होटल का पूरा खर्चा उसने दिया और वो पार्टी ने, यदि आप कहेंगे तो उस पार्टी का फोटो और उसका जो पार्टी में उन्होंने ऐस किया वो सब भी मैं प्लेस कर दूंगा ऑन रिकॉर्ड, ऑथेंटिकेट कर दूंगा, आपकी तरह नहीं डरूंगा। ये इसके बाद मैं आपको बताऊं, यूबीएस बैंक अमेरिका में एक अकाउंट है 52105058250, ये किसका है, किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, कौन इसके मालिक हैं, कौन इस कंपनी में डायरेक्टर हैं? मैं राफेल की बात कर रहा हूं, राफेल पर कांग्रेस इसीलिए परेशान है स्पीकर महोदय कि इसने जो कमीशन तय किया था, ये कमीशन इसको नहीं मिल रहा है। और मैंने ये 6 कंपनी का जो जिक्र किया आपको, 6 कंपनी का जो जिक्र किया, इस 6 कंपनी के कौन कौन से एजेंट हैं, सारे रास्ते इसी कांग्रेस पार्टी में और इसी गांधी परिवार में जाते हैं। एक सुधीर चौधरी है, मैं आपको बताऊं कि एक सुधीर चौधरी है, इस देश में जितने डिफेंस डील हो रहे हैं, सुधीर चौधरी, मैं आपको बताऊं कि सुधीर चौधरी के ऊपर केस हुआ। सुधीर चौधरी कौन है? आप ही के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं, कांग्रेस के ही रिश्तेदार क्यों इसमें शामिल होते हैं? अभिषेक वर्मा एक जेल गया, आप ही के कांग्रेस पार्टी का, सिंधिया साहब आप ही के राज्य का, आप ही के राज्य के श्रीकांत वर्मा साहब का वो बेटा था, क्या वो डिफेंस डील में शामिल नहीं है? क्या सुधीर चौधरी का कमलनाथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है? और आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये सुनिए, आप घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊं कि बराक मिसाइल स्कैंडल में, स्पीकर मैडम, बराक मिसाइल स्कैंडल में 2006-07 में सीबीआई ने केस रजिस्टर किया और इसके बाद इन्होंने उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो किसका है, जो यूरो फाइटर यदि राफेल के बदले आना है तो उसका एजेंट सुधीर चौधरी है। एक सुरेश मूलचंदानी है, राज्यसभा के सदस्य हैं, आज आपके ट्रेजरर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ग्रेफिन के वो यहां के एजेंट है। सुरेश मूलचंदानी के साथ आपके कलमाडी साहब के भी रिलेशन थे, सुरेश मूलचंदानी साहब के साथ आपके जो ट्रेजरर हैं उनके साथ भी रिलेशन। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि सुसेन गुप्ता के यहां रिलेशन हुआ, सुसेन गुप्ता के यहां रेड हुआ। ये जितने डिफेंस डीलर हैं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल डिफेंस डीलर की लड़ाई लड़ रही है, राफेल की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो कमीशन की लड़ाई लड़ रही है, वो पैसे की लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी का इस देश के किसी भी डिफेंस से लेना देना नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिस जीप स्कैंडल की बात की इन्होंने, जब पहले सुनिए, मैं आपको स्पीकर मैडम बता रहा हूं कि जब लॉर्ड एजाक यहां के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, माउंटबेटन के साथ उन्होंने कहा कि अपने को जो है कमांडर इन चीफ बनाना चाहिए था, फर्स्ट भाषण नेहरू जी का हुआ कि हम कमांडर इन चीफ, यदि आप कहेंगे मुझे समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरा भाषण कोट कर देता। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की सुरक्षा के साथ हमेशा समझौता किया है और उसको यह लगा कि हमारा जो है इंद्र की तरह हमारी कुर्सी डोल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश, यदि आर्मी इसको कंट्रोल नहीं कर रही है तो उसका कारण ये नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी है, उसका कारण यह है कि हम हिंदू हैं और मैं तो शुद्ध ब्राह्मण हूं। स्पीकर मैडम, हिंदू क्या होता है, आप पूजा करिए तो भी हिंदू हैं, आप पूजा नहीं करिए तो भी हिंदू हैं, आप मंदिर जाइए तो भी हिंदू हैं, मंदिर नहीं जाइए तो भी हिंदू हैं, शादी करिए आप मंदिर में जाके तो भी हिंदू हैं, शादी नहीं करिए मंदिर जाके घर में शादी करिए तो भी हिंदू हैं। लेकिन जो जनेऊ है, हिंदू का जो संस्कार है,
हिंदू का संस्कार, मैं ब्राह्मीन हूं इसलिए मैंने कहा कि जनौ जो है पूरा का पूरा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस पार्लियामेंट में कि जो बिना जनौ संस्कार के, आप खुद ब्राह्मीन हैं स्पीकर मैडम समझ सकती हैं कि जनौ संस्कार कितना बड़ा होता है, बिना जनौ संस्कार के कोई जनौ पहन के भी यदि अपने आप को ब्राह्मीन कहना चाहता है तो हम उसको स्वीकार करने को तैयार है। और ये पूरा का पूरा मैं आपको बताऊं स्पीकर मैडम, स्पीकर मैडम धर्म की बात कर रहा हूं, मैं आपको स्पीकर मैडम बताऊं कि इन्होंने रक्षा के साथ कितना समझौता किया। मैं आपको बताऊं कि के एम करियप्पा साहब 1952 में, के एम करियप्पा साहब का मैं आपको बता रहा हूं कि सेंट्रल करियप्पा जो ऑफिस सीकिंग एयरली शेड्यूलिंग एंड ही वांटेड टू रिजाइन क्योंकि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि कृष्ण मेनन और थिमैया का फेस ऑफ हुआ जिसके कारण कि चाइना वार हुआ। मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस ने हमेशा किस तरह से समझौता किया और आज भी वो राफेल के मुद्दे पर भारत सरकार को घेर कर किस तरह से समझौता करना चाहती है। और इस थिमैया फेस ऑफ के बाद क्या हो गया, 1962 में हम पूरी तरीके से हार गए। वाई बी चौहान साहब आए, वाई बी चौहान साहब ने, मैं आपको बताऊं कि पीसी लाल और जो सेम मानकसा इतने बड़े आप समझिए कि आर्मी के वॉरियर रहे, उसको इस कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। वाई बी चौहान ने उनका सस्पेंशन खत्म किया। मैं कह रहा हूं कि जो बाद में आर्मी के चीफ बने, चाहे उसी तरह से सुंदर जी का मामला हो, रॉड्रिक्स का मामला हो, और जिन लोगों ने इनका साथ देने का सवाल किया, जिन्होंने आर्मी का साथ दिया इस कांग्रेस पार्टी में, इनके पूरे परिवार को लगा, गांधी परिवार को लगा कि ये जो है हमारी कुर्सी हिल रही है। इसलिए वाई बी चौहान को भी उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर हटाया और रॉड्रिक्स का जिन्होंने खत्म किया शरद पवार साहब ने, उनको भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पर यहां से शिफ्ट किया। मेरा आपसे ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मोदी जी जैसे आदमी के, जिनका कि पूरा का पूरा सामाजिक जीवन बेदाग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया है। ये कांग्रेस पार्टी केवल संजय भंडारी, सुधीर चौधरी, सुंदर मलचांदिया जी जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए राफेल का मुद्दा लेकर आई है। मैं कांग्रेस पार्टी को आह्वान करता हूं, जिस तरह से गीता के 18वें अध्याय में, केवल एक श्लोक खत्म करके, जिस तरह 18वें अध्याय में कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्वानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वमोक्षाय सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि कांग्रेस पार्टी को पाप धोना है, 1947 से जो उसने करप्शन किया है उसको यदि खत्म करना है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर दीजिए, मोदी जी को नेता बना दीजिए और इसके बाद आपको भी हम मोक्ष कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।